पंडित जी हमें किस लिए याद किया? आओ आगे तुम लोग, ठीक है बैठो। तुम लोग को बुलाने के एक ही कारण है, अगले काल तो कुर्बानी है, सभी मुसलमान एक साथ होके कुर्बानी करने के लिए जाएगा मीना बाजार में। सालों मुसलमान हिंदुस्तान में रह के हम लोग का ऊपर बहुत गद्दारी करता है, चलो हम लोग सब मिल के सारे मुसलमानों को वही मीना बाजार में हम लोग बोली चलाएंगे, बलिनीर सिर एक एक को चुन चुन के मारेंगे। काल तो कुर्बानी है, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के बीच में रहते हैं, दंगा भी हो सकता है, सभी होशियार रहना। चाचा कोई भी उधर दंगा करने के लिए कोशिश भी करेगा ना, साले को वहीं पे दफना देंगे। नहीं, हम ईद का दिन दंगा नहीं चाहते, हम इतना ही चाहते हैं सभी एक साथ मिलजुल के रहे। ठीक है, काल मिलते हैं नमाज पे। ठीक है चाचा, चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या रे अपन लोगों की गाय माता को तू कुर्बानी देने के लिए जा रहा है? ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तू, गाय के बदले आज तुम लोगों का कुर्बानी दे दूंगा। कुर्बानी नहीं, काली माता के सामने तुम लोगों की बलि चढ़ाएंगे। भाईजान आप क्या कर रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? भाईजान शुरुआत तो उन लोगों ने की थी। शुरुआत हिंदू मुसलमान की नारे सुन सुन के मेरे कान पक गए।
अब ये सुनना बेकार है। भाई भाई होकर भाई की जान ले रहे हो। पंडित जी, आपको देख के तो ऐसे लगता है आप गीता पढ़ते। एक जवाब दीजिएगा हमें, गीता की कौन सी पन्नों पर लिखा हुआ है किसी धर्म का हानि पहुंचाए? जवाब दे सकते हैं तो ये सब क्यों? अपने नहीं सोचते, अपने जो अगली पीढ़ियां है पीढ़ी के लिए तो सोचते कम से कम। जवाब दीजिए, चुप क्यों है आप? अरे ये सब करके हमारे देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। हिंदू मुसलमान की नारा लगा के देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। भाई भाई होकर रहेंगे तभी हमारी देश आगे बढ़ेगा। ये सब करके कुछ नहीं है, ये सब में कुछ नहीं। पंडित जी अभी भी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। और हाँ मुंशी जी, आपसे भी थोड़ी बात करनी है। मुंशी जी आपसे बस एक ही सवाल पूछना है, आप तो कुरान शरीफ पढ़ते हो ना? कुरान शरीफ की कौन सी पन्नों पर लिखा है किसी धर्म पर हानि पहुंचा? हदीस पर तो ये नहीं है, हदीस पर तो ये भी लिखा हुआ है कोई आपको पत्थर मारे तो वो भी सहने की ताकत अपने शरीर पर रखना है। ये भी तो इस्लाम पर है, तो ये सब क्यों? ये सब करने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपको यही ख्याल है? शर्म की बात है, हम लोग एक ही देश में रह के एक ही चाय की दुकान पे बैठ के चाय पीते, एक ही प्याले पे, फिर भी ये सब हिंदू मुस्लिम के नारा लगाते हम लोग। किस देश पे हैं? इंडिया है, आगे बढ़ेगा, ऐसे चलने से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर भी आप लोगों को कहता हूँ अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अपने लिए नहीं सही, अपने जो बच्चे हैं उन लोगों तो सुधर जाए कम से कम। बेटा इब्राहिम, कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बड़ा हो गया। बेटे आज से हम लोग हिंदू मुसलमान नारा नहीं लगाएंगे, मिलजुल के हम लोग रहेंगे। तो फिर इतना दूर क्यों? आजा मेरे यारो। तो गाइस हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और साथों साथ शेयर करना ना भूलना। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट पर अच्छा लगा तो भी बता देना और बुरा लगा वो भी बता देना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और साथों साथ सभी को ईद मुबारक।